तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म है गंगूबाई काठियावाली, जिस फिल्म के लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फिल्म का क्रेज़ भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। इस फिल्म को इसी हफ्ते 25 फरवरी को रिलीज़ किया जाना है ऑल ओवर इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को दो लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, हिंदी और तेलुगु में। इसी के साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गंगूबाई काठियावाली फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट में है आलिया भट्ट, साथ ही साथ आलिया भट्ट के अपोजिट अजय देवगन नज़र आएंगे। इस फिल्म में अजय देवगन एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल करने वाले हैं, मतलब कि 20 मिनट के आसपास अजय देवगन सर का इस फिल्म में कैमियो होने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म ने हिंदी से एडवांस बुकिंग कलेक्शन किया है 11,19,000। जी हाँ दोस्तों, हिंदी से गंगूबाई काठियावाली ने हिंदी ग्रोस कलेक्शन किया है 11,19,000, और वहीं पर इस फिल्म ने तेलुगु से ग्रोस कलेक्शन किया है 2,000। जी हाँ दोस्तों, गंगूबाई काठियावाली फिल्म ने एडवांस बुकिंग से काफ़ी कम कलेक्शन किया है। इसके पीछे की वजह ये है कि थाला अजीत कुमार की बिगेस्ट पैन इंडिया फिल्म रिलीज हो रही है, जिसका नाम है वालीमार। इस फिल्म की वजह से कोई सी फिल्म नहीं चल पा रही बॉक्स ऑफिस पर। वैसे गंगूबाई फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली और फिल्म का कैमियो रोल है अजय देवगन का, तो ये फिल्म चल सकती है। फिर भी दोस्तों, वालीमार एक बहुत बड़ी फिल्म है, उसके सामने मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म टिक पाएगी। सो दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म का टोटल एडवांस बुकिंग से ग्रोस कलेक्शन हो जाता है 11,21,00,000। जी हाँ दोस्तों, गंगूबाई का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो जाता है एडवांस बुकिंग से 11,21,000 हो जाता है इस फिल्म का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन एडवांस बुकिंग से। वहीं पर दोस्तों आप लोग ये कमेंट कर कर बताना कि ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन कितने करोड़ का कर सकती है। आप लोग अपनी राय कमेंट कर कर जरूर बताना।